हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टेकोपीडिया के एक और नए फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, और इससे आपको काफ़ी सीख मिलने वाली है कि अगर आप नए इंटरनेट यूज़र हो या फिर अगर आप पुराने इंटरनेट यूज़र हो और आप इन बातों का ध्यान नहीं देते थे, तो आज से आपको ज़रूर से इस चीज़ का ध्यान देना है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में इंटरनेट यूज़र्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे 5G फ़ोन्स 4G फ़ोन्स सस्ते हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो पा रहे हैं। और इस चीज़ के साथ ना ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता है कि इंटरनेट या गूगल पे क्या चीज़ें सर्च नहीं करनी चाहिए। हमें ये पता है कि जो भी हमें प्रॉब्लम आती है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ये जितने भी डाउट्स होते हैं दिमाग में, हम गूगल पे ढूंढ सकते हैं उसका आंसर, और हर चीज़ लिखी हुई है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। लेकिन इसी के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी सेंस होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें ऑनलाइन हमें नहीं ढूंढनी चाहिए, और इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ऑनलाइन नहीं ढूंढनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को ऑनलाइन ढूंढने से बचना चाहिए, ताकि आप अपने आप को पुलिस, सिक्योरिटी और फ्रॉड लोगों से बचा के रखें। ठीक है, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और पहला पॉइंट है अपने बैंक को आप कभी भी गूगल पे सर्च मत करिए। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया, उन लोगों को मैं समझा देता हूँ कि आप जैसे बैंक में अकाउंट खोला, फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आजकल तो ऐप्स आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं वेबसाइट के थ्रू ट्रांसफ़र करना। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आराम रहता है, उसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को सही रहता है, कुछ लोगों को ऐप पे सही रहता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी बैंक की जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है ना, उसका URL आपको पता होना चाहिए। जब भी आप बैंक अकाउंट खोलोगे तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसमें लिखा होता है, तो आप मेक श्योर करो कि आप ओरिजिनल वेबसाइट ही खोलो, क्योंकि आजकल फ़िशिंग इतनी बढ़ गई है। फ़िशिंग मतलब वो मछुआरे वाला नहीं, फ़िशिंग मतलब धोखाधड़ी वाला मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली हूबहू बैंक की वेबसाइट की कॉपी लोग बना ले रहे हैं, और वो कॉपी बना के उसको भी वेबसाइट पे अपलोड, मतलब उस अपनी वेबसाइट, जो कॉपीड वेबसाइट है, जो फेक वेबसाइट है, उसको भी अपलोड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि यूज़र को समझ नहीं आता है कि कौन सी ओरिजिनल है, कौन सी फेक है, और एड्स चला के ओरिजिनल से ऊपर फेक वेबसाइट आ जाती है, और SEO करके इन सब चीज़ों की वजह से। तो इससे क्या होता है कि यूज़र अपने जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसको फेक वेबसाइट पर डाल देता है, जिस वजह से उसका जो भी प्राइवेसी है वो सारी ब्रीच हो जाती है, और आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं या फिर जो भी डेटा है, सब कुछ खतरा हो जाता है आपका गायब होने का, आपसे आपके हाथ से निकल जाती है चीज़ें, बाजी आपके हाथ से निकल जाती है। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट पे ही जाएं, उसके बाद पहली चीज़ चेक कर लें वेबसाइट ऊपर जो URL होता है उसको चेक कर लें, जैसे एक्सिस बैंक का retail.axisbank.com ये URL आई थिंक मुझे याद जितना याद है उस हिसाब से। तो उस हिसाब से आप चीज़ बैंक के जो URL होता है ना, उसको याद ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप उन चक्करों में पड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको याद है तो आप बड़े आसानी से सब कुछ कर करा के आराम से निकल आओगे, कोई इसमें इशू नहीं है देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, आप ज़रूर 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 से मेडिकल सिम्टम्स या फिर मेडिसिंस या फिर किसी भी तरह का आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब बीमारी है, उसका सिम्टम गूगल पे सर्च ना करें। इससे क्या होता है, इससे आपको फंसने का चांस तो नहीं रहता है, लेकिन इससे चांस ये रहता है कि आप गलत खबर, मतलब गलत खबर तो नहीं कह सकता मैं, मतलब ये कह सकता हूँ कि एक, जैसे मान लो आपको खांसी आ रही है ना, तो वो खांसी को कैंसर से या खांसी को कहाँ कहाँ से लंग इन्फेक्शन और कहाँ कहाँ से लिंक कर देते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो एक लास्ट अल्टीमेट ऑप्शन होता है। ठीक है, आप सबसे पहले अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से बात करिए, उनको बताइए, क्योंकि मेरी पहचान में एक हैं जिनको मैंने देखा था, उनको जब कोई प्रॉब्लम हुई थी ऑनलाइन देखने पे, उनको बड़ी बड़ी भारी भारी प्रॉब्लम और वो सारे कैंसर वैंसर वाली चीज़ें दिखाई जा रही थी, जब उन्होंने अपना MRI और स्कैनिंग कराई तो उसमें कोई एक छोटे से इशू था,
तो उस चीज़ को आपको ज़रूर संभल के रखना है, क्योंकि डॉक्टर्स ही सही से समझा पाएंगे आपको कि आपको क्या प्रॉब्लम है आपकी रिपोर्ट्स देख के, ना कि गूगल। गूगल इन सब चीज़ों के लिए सही नहीं है। ठीक है, अगली चीज़ बढ़ते हैं जो कि बहुत सीरियस इशू है। आपको कभी भी इस चीज़ को सर्च नहीं करना चाहिए गूगल पे, और ये चीज़ है कि बॉम्ब और एक्सप्लोजिव्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वेंसडे मूवी देखी होगी नसीरुद्दीन शाह सर की, उसमें उन्होंने बोला था कि इंटरनेट ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लिखोगे हाउ टू मेक बॉम्ब तो 500 वेबसाइट खुल के आ जाएंगी, बिल्कुल खुल के आ जाएंगे। लेकिन उसमें आपको समझने की ज़रूरत यह है कि आपकी जो आईपी एड्रेस है वो लोकेट कर ली जाएगी, और वो आईपी एड्रेस सीधा का सीधा डेटाबेस से सिक्योरिटी सर्विसेज के पास भेज दी जाएगी, और आप पे निगरानी रखना शुरू कर दिया जाएगा, और अगर कोई सीरियस मामला चल रहा होगा तो आपको धर भी लिया जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों से बच के रह पाएँ, इसलिए आप ये सब चीज़ें कभी सर्च ना करें, किसी भी सर्च इंजन में सर्च ना करें, चाहे यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, सब एक तरह के सर्च इंजन ही हैं। तो आपको इन सब को किसी जगह भी सर्च नहीं करना है। अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो अगली चीज़ आती है कि आपको कभी भी फिटनेस से रिलेटेड चीज़ YouTube या Google पे सर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जो डाइट प्लान बताएंगे आपको, या फिर वो लोग जो भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, कैलोरी डेफिसिट ये चीज़ वो चीज़, आप उन सब चीज़ों को डायरेक्टली अपने ऊपर इम्प्लाई मत करिए, क्योंकि आपकी बॉडी और बाकी लोगों की बॉडी में अंतर होता है। वो चीज़ उन्हें सूट कर गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपको भी सूट करेगी। इसलिए यही चीज़ कही जाती है कि आपको जब भी अपना डाइट प्लान बनवाना है या कुछ भी आपको अपने फिटनेस से रिलेटेड करना है तो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए या फिर फिटनेस एक्सपर्ट के पास जाइए, वो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे आपकी बॉडी देख के, आपके बारे में जान के। वरना अगर आप इधर उधर से चीज़ें ढूंढते रहोगे, गूगल से ही अगर सब पतले हो जाते हैं, गूगल से ही सब फिट हो जाते हैं, तो फिर तो बाकी इन लोग का काम धंधा ही बंद हो जाता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी आप YouTube पे या Google पे ये सर्च मत करिएगा कि जब कोई औरत बच्चे को बर्थ दे रही होती है तो उसमें कितना दर्द होता है, या फिर ये सारी कितना चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो भी मूवीज़ में हमने देखा है ना, मूवीज़ में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं असल में उससे 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उसमें जान का भी खतरा होता है, जो औरत होती है उसके जान का भी खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत स्ट्रेसफुल हो जाओगे और बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, मतलब आप सो नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा दर्द वर्द सा होता है, आप सर्च मत करना ये सब चीज़ें। दोस्तों अगली चीज़ जो आपको नहीं सर्च करनी चाहिए वो ये है कि स्किन डिजीज़ के बारे में आपको सर्च नहीं करना चाहिए। स्किन डिजीज़, स्किन कंडीशन जब आप सर्च करते हो ना ऑनलाइन, तो आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ देखने को मिल जाती हैं जो फ़ोटोज़ आपको बहुत परेशान कर सकती हैं, बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं। अजीब अजीब तरह की फ़ोटोज़ में फंगस लगा हुआ और बहुत सारी होती हैं। तो इसलिए जब भी आपको इस टाइप का कुछ इशू हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो बताएंगे आपको, इसकी जगह कि आप गूगल पे या यूट्यूब पे कुछ सर्च करो, क्योंकि वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ऑथेंटिक नहीं होती है। डॉक्टर जो आपको देंगे वो फिर भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि आपको स्किन कंडीशन और ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखनी चाहिए ऑनलाइन। अगली चीज़ जो आपको नहीं देखनी चाहिए वो है कि लंग्स कंडीशंस। आप स्मोकिंग करते हो या फिर आपको आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है तो उसको दिखाने के लिए जब आप देखते हो ना, कि एडवर्टीजमेंट में भी देखते हो या फिर स्कूल कॉलेजेस में भी आपने देखा होगा, बुक्स में होते हैं लंग कंडीशन के बारे में जो सारी चीज़ें होती हैं, उस पर कितना ज़्यादा वो अजीब सा वो होता है, और एडवर्टीजमेंट में भी देखा है कि ये आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकता है, पूरा काला काला निचोड़ के आता है। तो उसके लिए भी मना किया जाता है कि आपको इन सब चीज़ों से नहीं देखना चाहिए। वही चीज़ पिछली वाली कि आप इससे बहुत स्ट्रेसफुल हो सकते हो। अगर आप पीते हो तो आप ज़रूर छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं पीते हो तो इन सबसे दूर ही रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली चीज़ नहीं है। तो आई होप आप लोग को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत जगहों से इनको इकट्ठा करके एक आप लोगों को वीडियो बनाने की कोशिश की है, कई जगहों से इसको इकट्ठा किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ इधर उधर से इकट्ठा किया है। तो आई होप आप लोग को मैं ये वीडियो समझा पाया हूँगा अच्छी तरीके से। अगर इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई है तो बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत हो सकती है इस चीज़ की, क्योंकि ये चीज़ सभी को ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन सभी लोग सर्चेस करते हैं, उनको ज़रूरत है जानने की कि क्या उन्हें सर्च नहीं करना चाहिए उनके बेहतरी के लिए।
तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।